बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड फाइव स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। घर में पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं? प्यारे बच्चों, आज हमारा उर्दू का ब्लॉक है। आप लोग सब अपनी उर्दू की किताब निकाल लीजिए, कारवानी उर्दू सफ़ा नंबर एक। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं। हमारे हर काम की शुरुआत अल्लाह ताला के नाम से होती है। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह से अपने काम का आगाज़ करते हैं, ये आप सबको पता होगा अच्छे तरीके से। इसी तरह से जब हम उर्दू में जब हम अस्बाब का आगाज़ करते हैं, जब उर्दू की किताब हम खोलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला का नाम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सफ़ा नंबर एक पर हमदे बारी ताला है। अलहम किसको कहते हैं? हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को, तारीफ़ को बयान किया जाए, उसको हम कहते हैं। तो हम इस सबसे पहले जो हमारी बुक का जो सबसे पहला सबक है वो हमदे बारी ताला है, जिससे हम आज अपनी उर्दू का आगाज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बुलंद पानी से शुरू करते हैं। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, लोगों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा, सबसे बड़ा खुदा। शमसो कमर को देखो, शजरो भजर को देखो, परखो, वो लाए के सना है सबसे बड़ा खुदा, सबसे बड़ा खुदा। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का, तू का तो इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। प्यारे बच्चों, ये हम जो आज हमने अभी इसकी बुलंद पानी की है, ये मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी ने लिखी है। ये इसके राइटर शायर हैं जिन्होंने इस हम को लिखा है। और अभी हमने इसकी हम की बुलंद पानी की है, तो हमेशा आपको पता है जब भी कोई शायर होता है वो अपना जो आखिरी अशबंद होता है या आखिरी जो शेर होता है उसमें अपने नाम को इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब हम इस हम को समझते हैं कि इस हम में शायर हमें क्या बताना चाह रहा है। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है। शायर हमें ये बता रहा है कि दुनिया में कायनात का हर शख्स ये कह रहा है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, फूलों की भी यही सदा है। यानी जो फूल होते हैं, जैसे हमने कहा था कि फूल, पौधे, परिंदे सब ये जानदार होते हैं क्योंकि ये बढ़ते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, तो ये जानदार होते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो फूल भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। शम्सो कमर, शम्स कहते हैं सूरज को और कमर कहते हैं चाँद को। तो शम्सो कमर को देखो, कह रहे हैं कि चाँद और सूरज को देखो, शजर और हजर को परखो। शजर मतलब पौधे, हजर मतलब पत्थर। तो कह रहे हैं कि अगर आप सूरज और चाँद को देखें, पौधों को, पत्थरों को देखें, परखें, अगर आप उन्हें जाँचें, वो लायक सना। यानी जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला लायक सना, सना मीन्स तारीफ़ करना, बयान करना। तो आपको इन चीज़ों को देखकर एहसास होगा कि आप अल्लाह ताला की अज़मत के, उसकी बुजुर्गी के कायल होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। इनको देखकर अल्लाह की अज़मत का, अल्लाह की बुजुर्गी का एहसास होता है कि अल्लाह ताला किस कदर खूबसूरत तख्लीक अल्लाह ताला ने बनाई है, कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, जो कि बनाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया। कुन मीन्स कुन, आपने पढ़ा होगा, कुन का मतलब है अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग से हो जा। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को तख्लीक किया था तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कुन, यानी हो जा, और हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो गई थी। तो ये उस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है कुन, यानी दुनिया में हर चीज़, कायनात की हर एक चीज़, हमारी हर खुशी, हर चीज़ अल्लाह के कुन की मुंतज़िर है। यानी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन, कुन का मतलब है हो जा, तो वो हो जाती है। तो यानी जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ अल्लाह ताला के कुन से बनी है। यानी जब अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को तख्लीक करना किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, तो मतलब हो जा, तो यानी हर चीज़ अपने हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना शुरू हो गई। जैसे सूरज का निकलना, गुरूब होना, दुनिया में फूल पौधों का खिलना, इंसानों का सांस लेना, हर चीज़ दुनिया की एक एक चीज़, कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह ताला के कुन का, अल्लाह ताला के हुक्म का मोहताज है। कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है। आप सबको पता है बहैसियत मुसलमान हम लोग सब दीन इस्लाम पे कायल हैं, दीन इस्लाम में हम तौहीद अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पे, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, जिनके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुई। कुरान मजीद आसमानी, चार आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है जो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो कुरान में भी ये बताया गया है, अल्लाह ताला की अज़मत व बुज़ुर्गी को बयान किया गया है, बताया गया है कि अल्लाह ताला
सबसे बड़ा है और अल्लाह पाक एक ही है, ठीक है, वादहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, कुरान पाक में भी जगह जगह इस बात का को बयान किया गया है। मुश्ताक पे करम है, अब ये शायर अपना नाम लेके कह रहा है कि मुझ पर ये करम है, रब्बे करीम का तू कह रहा है कि ये मुझ पे अल्लाह पाक का करम है, रब्बे करीम का मुश्ताक पे ये करम है कि वो अल्लाह ताला की सना कर रहा है, इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है। यानी अब वो शायर अपने आप का नाम लेके कह रहा है कि मुझ पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम है, मुझ पर बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता है कि मुझे इस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया कि मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना को बयान कर सकूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये हम समझ में आई बच्चों? आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर अल्फाज के मायने दिए गए हैं, आपने इस हम की बुलंद पानी करनी है, इसको अच्छे से समझना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में दोबारा पूछ सकते हैं। आपने अपनी कॉपियों पे सबसे पहले आपने मीकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने अगले सफ़े पर हमदे बारी ताला के नाम से टाइटल पेज बनाना है, और उसके बाद आपने अल्फाज मायनी करने हैं जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर दिए गए हैं। अल्फाज मायनी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर दिए गए हैं, वो आपने करने हैं। ये इस हम के इस वीडियो के साथ आज का आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो और ये हमदे बारी ताला की बुलंद पानी और इसकी तफसील जो मैंने आपको बयान की है, इसका जो एक्सप्लेनेशन दी है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने वक्त को, अपने काम को मुकर्रर वक्त पर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।